स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री। पिछली क्लास में हमने लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टलोग्राफी के नियम डिस्कस किए हैं। पहला नियम हमने पढ़ा है स्थिर कोण की स्थिरता का नियम, दूसरा परिमेय घातांक का नियम जिसमें मिलर सूचकांक और बाई सूचकांकों को पढ़ा है। आज तीसरा नियम है सममितता का नियम। तीसरा नियम है सममितता का नियम। लॉज ऑफ सिमेट्री, लॉ ऑफ सिमेट्री। इस नियम अनुसार किसी एक पदार्थ के समस्त क्रिस्टलों में समान सममिति के तत्व पाए जाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, समान सममिति के तत्व पाए जाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री किसी क्रिस्टलीय पदार्थ की सममितता को समझने के लिए सममिति तत्व एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री का उपयोग किया जाता है। सममिति तत्व तीन प्रकार के होते हैं। सममिति तल, सममिति अक्ष और तीसरा है सममिति केंद्र, सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। सबसे पहले डिस्कस करेंगे सममिति तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सबसे पहले हम ले रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। किसी वस्तु का सममिति तल, एक ऐसा काल्पनिक तल होता है, जिससे वह वस्तु इस प्रकार के दो बराबर बराबर भागों में बट जाती है, कि दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। उदाहरण के लिए, हम लेते हैं एग्जाम्पल अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए अथवा बी में, ए और बी में निम्न प्रकार से सममिति तल पाए जाते हैं। ये ए है और ये बी है। ए को दो बराबर भागों में बांटने के लिए ऊपर से इसमें एक प्लेन डालना पड़ेगा और बी को इस प्रकार से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। इस प्रकार से ये ऊर्ध्वाधर सममिति तल होगा, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऊर्ध्वाधर सममिति तल। और ये है क्षैतिज सममिति तल, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्षैतिज सममिति तल। इस तरीके से ये दोनों भाग, जैसे ए के दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे और बी के दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे। एक घनीय क्रिस्टल में,
एक घनीय क्रिस्टल में निम्न दो प्रकार के सममिति तल होते हैं। घनीय क्रिस्टल में एक तो है रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, आयताकार सममिति तल, आयताकार सममिति तल। इस प्रकार के तल घनीय क्रिस्टल को दो आयताकार भागों में बांटते हैं जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। ये आमने सामने के दोनों फलकों के किनारों के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त होते हैं। एक घनीय क्रिस्टल में इस प्रकार के तीन सममिति तल होते हैं। कितने तल होते हैं बच्चों? तीन सममिति तल होते हैं। जैसे ये हमारे पास में एक घन है, ये दूसरा घन है, ये दूसरा घन है और ये तीसरा घन है। ये तीसरा घन है। आमने सामने के तलों को, या आपने ये बताया बच्चों कि घनीय क्रिस्टल को दो आयताकार भागों में बांटते हैं जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। ये आमने सामने के दोनों फलकों के किनारों पर, जैसे ये सामने का है, ये पीछे का है, इनको मिलाने पर इस तरीके से ये ऊपर नीचे दो बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। ऊपर के और नीचे को मिलाने पर, ऊपर के और नीचे को मिलाने पर किस तरीके से, देखिए इस तरीके से ये भी दो बराबर भागों में बट गया। और ये देखिए इस तरीके से, ये घन के आयताकार सममिति तल हैं। तो घन में कितने तल हो गए? तो तीन तो आयताकार सममिति तल हो गई। कितने हो गए? तीन आयताकार सममिति तल हो गए। अब हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट है, वो है विकर्ण सममिति तल। दूसरा है बच्चों बी, विकर्ण सममिति तल। विकर्ण सममिति तल, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। घन के विकर्ण किनारों को मिलाने से जो तल बनते हैं उन्हें विकर्ण सममिति तल कहते हैं। घन के विकर्ण किनारों को मिलाने से जो तल बनते हैं उन्हें विकर्ण सममिति तल कहते हैं। यह तल घन के दो, यह तल घन को दो प्रिज्मों में बांटता है जो एक दूसरे के समतल दर्पण प्रतिबिंब है। एक घन में छह विकर्ण सममिति तल होते हैं। एक घन में छह विकर्ण सममिति तल होते हैं। किस तरीके से इनको हम बना सकते हैं, देखिए इनकी संरचना कैसे बनेगी। छह विकर्ण सममिति तल होंगे। इस तरीके से हम इनको बना सकते हैं, विकर्ण यानी ऊपर वाला और ये नीचे वाला, इस तरीके से, इस तरीके से हम एक तल। तो ये हो गया बच्चों, ये दो बराबर भागों में बांट रहा है और एक ऊपर से और पीछे की तरफ, ये वाला। हम अलग अलग पेन से इनको बना सकते हैं, अच्छी तरह सुंदर डायग्राम बन सकता है इस तरीके से, देखिए। इसमें हम एक विकर्ण ये रहा और एक विकर्ण ये रहा, इनको मिला के इस तरीके से, और दूसरा विकर्ण यहां पर और यहां पर, ये वाला, इस तरीके से चार हो गए। अब पांचवा और छठवा इस तरीके से हम बना सकते हैं। पांचवें और छठवें नंबर का जो विकर्ण है उसको इस तरीके से बना सकते हैं, एक तल ये रहा विकर्ण तल, एक ये रहा नीचे वाला,
और एक ये रहा और एक ही रहा, सही सही नहीं बन पाते हैं, हम इनको हल्का सा वैसे ही बना के प्रदर्शित करते हैं। तो 6 विकट सम्मिति दल हो गए। टोटल जो घन में है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, घन में प्लेन ऑफ सिमेट्री 3 आयताकार हो गए हैं और 3 हमारे पास में विकर्ण सम्मिति तल हो गए हैं। 3 हमारे पास में विकर्ण सम्मिति तल हो गए हैं, 3 + 6 टोटल 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है एक क्यूब में, एक घन में। दूसरा हमारा पॉइंट है बच्चों सम्मिति अक्ष, सम्मिति अक्ष, प्लेन ऑफ एक्सिस, प्लेन ऑफ एक्सिस या एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सम्मिति अक्ष, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सम्मिति अक्ष वह काल्पनिक अक्ष है जिस पर यदि किसी वस्तु को घूर्णन करवाया जाए, रोटेशन करवाया जाए, तो एक पूर्ण घूर्णन में वस्तु एक से अधिक बार अपनी वास्तविक संरचना को प्राप्त कर ले। सम्मिति अक्ष वह काल्पनिक अक्ष है जिस पर यदि किसी वस्तु को घूर्णन करवाया जाए तो एक पूर्ण घूर्णन में वस्तु एक से अधिक बार अपनी वास्तविक संरचना को प्राप्त कर ले। पूर्ण घूर्णन अर्थात 360 के कोण से घुमाने पर प्रत्येक वस्तु अपनी वास्तविक संरचना में आती है। यदि कोई वस्तु एक अक्ष पर पूर्ण घूर्णन करने में जितनी बार अपनी संरचना को दोहराती है वह उसके अक्ष की सम्मिति की कोटि ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कहलाती है। उदाहरण, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर एस को घुमाने से एक पूर्ण घूर्णन में 2 बार अपनी संरचना की पुनरावृत्ति होती है। एस इस तरीके से है, इसको घुमाने पर 2 बार संरचना की पुनरावृत्ति कैसे होती है, जैसे 90 से घुमाया तो ये इस तरीके से आ गया, फिर 90 से घुमाया तो फिर ये इस तरीके से आ गया, फिर 90 से घुमाया, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। तो पहली बार पुनरावृत्ति यहां पर होती है बच्चों, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड तो एक जैसी हैं, सेकंड दूसरी संरचना हमको प्राप्त होती है। यानी एस में सम्मिति अक्ष की कोटि कितनी हो गई, एस में सम्मिति अक्ष की कोटि 2 है बच्चों, कितनी है 2, अर्थात 360/2 180 डिग्री के कोण पर इस संरचना की पुनरावृत्ति होती है। सम्मिति की कोटि के संख्यात्मक मान के आधार पर निम्न प्रकार की सम्मिति अक्ष पाए जाते हैं। सम्मिति अक्ष कितने प्रकार के हैं, निम्न प्रकार के, देखिए किस प्रकार के सम्मिति अक्ष हैं, निम्न प्रकार के सम्मिति अक्ष पाए जाते हैं। सबसे पहला है द्विगुणित सम्मिति अक्ष, द्विगुणित सम्मिति अक्ष, एक्सिस ऑफ टू फोल्ड सिमेट्री, वह अक्ष जिस पर क्रिस्टल एक पूर्ण घूर्णन में 2 बार समान संरचना प्राप्त करता है, अर्थात 180 डिग्री घुमाने पर क्रिस्टल की मूल संरचना की प्राप्ति होती हो, इस प्रकार की अक्ष द्विगुणित सम्मिति अक्ष कहलाती है। एक घन में द्विगुणित सम्मिति अक्षों की संख्या कितनी होती है, 6। ये कैसे प्राप्त होती है, एक घन के अंदर आमने सामने वाले दोनों किनारों के मध्य बिंदुओं से मिलकर एक अक्ष बनती है, तो टोटल 12 किनारे होते हैं और 12 किनारों को अगर 2 में डिवाइड करें, 2-2 के रूप में डिवाइड करें, तो 6 द्विगुणित सम्मिति अक्ष होती है।
त्रिकोण सममिति अक्ष, त्रिकोण सममिति अक्ष, त्रिकोण सममिति अक्ष वह अक्ष जिस पर क्रिस्टल के एक पूर्ण घूर्णन में तीन बार मूल संरचना प्राप्ति होती है त्रिकोण सममिति अक्ष कहलाती है, यानी 120 डिग्री के कोण पर घुमाने पर मूल संरचना की प्राप्ति होती है। एक घन के आमने सामने वाले कोणों को मिलाकर त्रिकोण सममिति अक्ष बनती है, तो घन में आठ कोने होते हैं तो चार त्रिकोण सममिति अक्ष होंगी। तीसरा है चतुर्गुण सममिति अक्ष, चतुर्गुण सममिति अक्ष, चतुर्गुण सममिति अक्ष चतुर्गुण सममिति अक्ष वह अक्ष जिस पर क्रिस्टल के एक पूर्ण घूर्णन में चार बार मूल संरचना प्राप्त होती है चतुर्गुण सममिति अक्ष कहलाती है, यानी 90 डिग्री के कोण से घुमाने पर यह संरचना की पुनरावृत्ति होगी। आमने सामने वाले फलकों से छह फलक होते हैं तो तीन चतुर्गुण सममिति अक्ष होंगी। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है सममिति केंद्र। सममिति केंद्र, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। किसी वस्तु के लिए सममिति केंद्र वह काल्पनिक बिंदु है जिसके दोनों ओर खींची गई रेखाएं समान दूरी पर समान बिंदुओं को स्पर्श करती हों, समान दूरी पर समान बिंदुओं को स्पर्श करती हों। इस प्रकार से किसी क्रिस्टल में सममिति केंद्र केवल एक ही होता है, सममिति केंद्र केवल एक ही होता है। बच्चों एक घन में सममिति तल 3+6=9 है, सममिति अक्ष 6+4+3=13 और सममिति केंद्र 1, तो टोटल 23। एक घन में टोटल 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पाए जाते हैं, 23 सममिति तत्व पाए जाते हैं जिनमें से 9 सममिति तल, 13 सममिति अक्ष और 1 केंद्र होता है। तो ये हमारे पास में जो सम्यकता का नियम था कंप्लीट हो जाता है बच्चों।